बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स मी मुजम्मिल रऊफ खान, हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट एट द क्रिएटर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी कोटेदू। नाइन्थ क्लास, एज यू नो वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 3, दैट इज डायनामिक्स। द वेरी लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द न्यूमेरिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टेंशन इन स्ट्रिंग। टूडेज वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स एंड मोमेंटम। आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन फोर्स एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। जो आपकी मेजर मिस्टेक होती है, आप क्या करते हैं, फोर्स को डिफाइन करते हैं, उसका यूनिट लिखा, एग्जांपल लिखी, और इस तरह से मोमेंटम को डिफाइन किया, उसका फार्मूला, यूनिट, एग्जाम्पल लिख लिया, आप कहते हैं आपका सवाल कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपने रिलेशन बताना होता है फोर्स और मोमेंटम के लिहाज से, तो इस चीज़ का ख्याल करना है। अब हम कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी मूवमेंट स्टार्ट है, यानी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूवमेंट कर रहा होता है, उस पर जब हम एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करने पर कुछ टाइम टी गुजरने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से जो मूव कर रहा था आफ्टर टाइम टी, वो हमारे पास क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है फाइनल वेलोसिटी वी एफ के अंदर। अब वो वी एफ में जब कन्वर्ट होती है, वजह क्या होती है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमें क्लियर है किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की शरह होती है, वेलोसिटी जो चेंज होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, जिसे हम एक्सेलरेशन बोल रहे होते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, इसीलिए ऐसे अगर उनका मोमेंटम देखना शुरू कर दें तो मोमेंटम को चूंकि हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी पी आई। पी से मुराद मोमेंटम है और आई से मुराद इनिशियल है, यानी इनिशियल मोमेंटम। अगर उसका हम फाइनल मोमेंटम देखना चाहें दैट विल बी पी एफ। पी एफ से क्या मुराद है, फाइनल मोमेंटम। पी से मोमेंटम है, एफ से फाइनल है। अब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास किसके लिहाज से हम देखें, वेलोसिटी के लिहाज से देखें कि वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, अगर उसकी हम मोमेंटम देखना शुरू कर दें तो इनिशियल मोमेंटम पी आई और फाइनल मोमेंटम उसका क्या होगा अभी पी एफ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो क्या होता है अभी। तो यहां हम लिखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम में जो तब्दीली होती है, जिस तरह से चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में तब्दीली होती है, मोमेंटम में तब्दीली, जब भी हम किसी चीज़ के अंदर चेंज देख रहे होते हैं तो चेंज किसी चीज़ के अंदर जब तब्दीली रूनमा हो रही होती है तो वो उसकी वेलोसिटीज या मोमेंटम हमारे पास जो ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा से कम को हम माइनस कर देते हैं तो वो उसकी जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसका चेंज होता है। अब ज़्यादा हमेशा हमारे पास फाइनल होता है, कम हमारे पास इनिशियल होता है। फाइनल मोमेंटम में से जब इनिशियल मोमेंटम को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये चीज क्लियर है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज पी एफ माइनस पी आई फाइनल मोमेंटम। अब यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूं, पी आई, पी इज इक्वल टू एम वी, हमने पढ़ा हुआ है कि जो मोमेंटम का फार्मूला होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। पी आई है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी आई। पी एफ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी एफ। एम वी तो वही मोमेंटम है, आई इनिशियल मोमेंटम, और F हमारे पास फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास फाइनल मोमेंटम है तो उसकी जगह पर चूंकि PF है, PF की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, MVF के, उसकी जगह पर हम MVF ले लेते हैं। अभी माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया, इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम को हमने PI से रिप्रेजेंट किया हुआ, PI इज इक्वल टू MVI, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज MVI, यानी PF माइनस PI इज इक्वल टू, इनमें अगर कॉमन देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है अभी, एम वी एफ माइनस एम वी आई में से। अब आपकी गलती क्या होती है, अब देखते हैं, यहाँ पर भी एम वी है, यहाँ पर भी एम वी है, आपने कॉमन ले लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटीज के अंदर डिफरेंस है, सेम नहीं है, इसलिए ये वी इसमें से कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि ये वेलोसिटीज को जाहिर कर रहा है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली जो है रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है क्या अभी, एम
तो क्या हो गया वी एफ माइनस वी आई, ये हमारे पास आ गया। अगर इसका हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं, जिस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, या इसको आप लोग देख लें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने जो लिया हुआ है इसको हमने एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एम इंटू वी एफ माइनस वी एफ माइनस वी आई तो वैसे का मौजूद है, और टी क्या है ये टाइम के लिहाज से उसकी शरह है, दोनों साइड पे हमने उसको डिवाइड कर दिया, यानी उसकी जो हमारे पास रेट आ रहा है उसकी वैल्यू पुट की, यानी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब दोनों साइड से टी जो कि डिवाइड हो रहा है, यहाँ से इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, मल्टीप्लाई होगा टी से टी कैंसिल, वही वैल्यू पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई हो जाता है। अगर इस टी को इस साइड पे ले जाता हूँ यहाँ पर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा टी से टी कैंसिल, पी एफ इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई, वही वैल्यू हमारे पास रह जाती है। अब यहाँ पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास हो जाता है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये ए कहाँ से आया, जबकि हमारे पास था एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी था, यहाँ पर मैंने वी एफ माइनस वी आई ओवर टी नहीं लिया बल्कि ए ले लिया। ए लेने की वजह क्या है, हम यूनिट नंबर टू में डिस्कस कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी जिस्म की वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह होती है उसे हम एक्सेलरेशन बोल रहे होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, उसकी जगह पर हमने एक्सेलरेशन ले लिया। अब दोबारा देखते हैं पी एफ माइनस पी आई ओवर टी एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ हमारे पास नेट फोर्स है, एम उसका मास है और ए उसका एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। जब हम इसको हम डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तब हम क्या कहते हैं, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। उसके बाद क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो नेट फोर्स होती है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। अब यहाँ पर उसका जो रिलेशन है क्लियर हो रहा है, फोर्स जो है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यूनिट ऑफ हमारे पास जो मोमेंटम होता है दैट इज न्यूटन सेकेंड आर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको आपने क्लियर करना है भी। थैंक यू सो मच।